नमस्कार किसान साथियों, ये जो मेरे गिनी फॉल टर्की और कुछ देसी मुर्गियाँ मैं फ्री रेंज में छोड़ के रखा हूँ, तो इसका मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये फ्री रेंज में है मुर्गियाँ सब। अभी ठंड का दिन है और धूप बहुत तेज़ है, इसलिए सुबह तक धूप में थे और थोड़ा सा ये अभी टाइम हो रहा है, लगभग 12 बज रहा है, तो धूप तेज़ होने की वजह से सब छांव पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर पेड़ का कटा हुआ टूट है, तो यहाँ पर सब मुर्गियाँ बैठे हैं और मैं चल रहा हूँ तो सब ये इधर उधर चल रहे हैं, मतलब सब छांव पर बैठे थे। पूरे बाउंड्री का मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, जहाँ तक फ्री रेंज है। ये दोस्तों, ये पूरा जगह खाली जगह है और इसमें सब मुर्गियाँ घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं। देखो ये टर्की धूप में पूरा पंख फैला के कैसे बैठे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पर ये बाकी कड़कनाथ की मुर्गा मुर्गियाँ और ये हमारे छत्तीसगढ़ का ज़बरदस्त उल्टा पंख की काला मुर्गी और ये उल्टा पंख का मुर्गा है और ये सब मुर्गियाँ छांव पर बैठे हुए हैं, पूरा सब छांव पर। धूप में बहुत कम मुर्गा मुर्गियाँ हैं, ये अभी गिनी फॉल धूप में निकल रहा है। दोस्तों, ये अभी मैं ये सेटअप को नया बनाया हूँ और यहाँ पर मैं ये सब को रखता हूँ, आज से रखना चालू करूँगा। और यहाँ पर मेरे पास में गिनी फॉल का बच्चा है और कुछ देसी मुर्गियों का बच्चा है। ये पूरा कड़कनाथ के साथ में है, कड़कनाथ इन लोग का रखवाली करता है, कोई दूसरा इसको कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, जैसे गिनी फॉल अपने छोटे लोगों को कुछ काटने वाटने की कोशिश करता है तो कड़कनाथ उसको बचाता है। और दोस्तों, मेरा इधर ये दूसरे वाला सेटअप पर ये फैंसी मुर्गी है और बटेर है, यहाँ पर पूरा ये मुर्गियाँ यहाँ पर रखे हैं दूसरे सेटअप पे, तो सब फैल के चर रहे हैं। एक रूम ये है दोस्तों, यहाँ कड़कनाथ पूरा कड़कनाथ है, ये यहीं पर सभी मुर्गियाँ टर्की गिनी फॉल यहीं पर रहते हैं और ये कुछ मुर्गियाँ निकलते नहीं हैं बाहर में, तो ये सब यहीं अंदर हैं। और मैं अभी मेरा दूसरा सेटअप दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को, तो मैं अभी आप लोगों को बाहर से दिखा रहा था, वो ये रूम है। यहाँ पर बटेर का चूजा, देसी मुर्गियों का चूजा, ये सब फैंसी मुर्गी, ये सब का चूजा यहाँ पर रखा हूँ। फैंसी मुर्गी मैं दिखा दूँ दोस्तों आप लोगों को, ये फैंसी मुर्गी है, ये फैंसी मुर्गी है, ये सब है, बड़ी मस्त हैं। और इसी सेटअप पे एक मैं बड़े वाले जो ब्रूडिंग कंप्लीट हो गया उस मुर्गी के साथ में, और कुछ यहाँ पर मैं बटेर है, बटेर को दिखा दूँ, बटेर यहाँ पर मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैं पूरा जाली लगा दिया हूँ, पूरा ढक दिया हूँ, टेम्परेचर ठीक ठाक बन रहा है और यहाँ को दूसरा मुर्गी नुकसान ना पहुँचाए करके पूरा ये ऊपर से जाली लगा दिया हूँ। ये गोल का ऊपर से दिखाता हूँ दोस्तों, ये गोल का घेरा है और सब तरफ से ढकने के बाद में जाली लगा दिया हूँ। ठंडी की वजह से बटेर, कई लोग ठंडी में बटेर नहीं पालेंगे ऐसा करके बोलते हैं। दोस्तों, मैंने कल एक फार्म का अधूरा वीडियो पोस्ट किया था, आज उस फार्म को मैंने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ये ऊपर में प्लाई डाल दिया हूँ और ये नीचे चार खंभे लगा के बहुत ही सस्ते ढंग से ये मैं बनाया हूँ। कई लोग क्या बोलते हैं कि फार्म बनाने में उतना ज़्यादा कुछ ये नहीं है, खर्चा नहीं है,
ओनली ये 4 खम्भा लगा है और 20 बल्ली लगा है, 20 बल्ली और कुछ। ये मेरे पास में जो ऊपर में प्लाई लग रहा है, ये मेरे दुकान का प्लाई है, ये जो रिजेक्ट हो गया था वो है। दोस्तों बहुत ही सस्ता सुंदर मैं बना लिया हूँ और दिखने में भी बढ़िया है और मजबूत है, ये जाली भी मजबूत है, ये कुछ ये नहीं हो सकता। जाली बल्ली और ये खीले इसी के माध्यम से लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एक नया फार्म बनाए हैं। और दोस्तों इसमें मुर्गियों को पहले छोटा बड़ा सब को एक साथ रखेंगे, जैसे ये अभी मेरा रखाया है छोटा बड़ा सब, तो छोटा का मैं नहीं निकाल रहा था, लेकिन आप इसको छोटा बड़ा सबको एक साथ रखूँगा तो ये सब एक दूसरे को पहचान जाएंगे, उसके बाद में साथ में निकलना चालू हो जाएगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। और गिनी फॉल में एक चीज़ देखा हूँ मैं, इसमें से ये बड़ा गिनी फॉल है, छोटा वाला गिनी फॉल को मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कमरे के अंदर है, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, ये छोटा छोटा बच्चा है, दोस्तों ये छोटा वाला गिनी फॉल है, इसका बच्चा है ये। मैं इसको कुछ आज से 10 रोज पहले इनको मैं ट्रायल बेस में कुछ निकाला था बाहर फ्री रेंज में, और उसके बाद में ये मुर्गियाँ गिनी फॉल का ये रोड पार करके कहीं भाग गया था। 4 पीस निकाला था मैं ट्रायल में, वो ना भाग गया था, वो एक सप्ताह बाद में कल वापस आया है। तो ये गिनी फॉल हमेशा झुंड में रहने वाला है। एक सप्ताह ये आगे खेत दिख रहा है, खेत में कहीं पर ये था, और इन लोग की आवाज़ जैसे ही इन लोग को आवाज़ मिला तो ये आ गया रोड के उस पार, ये चिल्ला रहा था, वहाँ से इसको थोड़ा सा हकालना पड़ा, उसके बाद में ये सब अपने झुंड पे आ गया। अब ये जो आया है मैं उसका, ये यहीं कहीं पर है, उसका वीडियो मैं दिखाता, पर मैं वीडियो को यहीं अंत कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।